कार, अब हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वो शोध का बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है या विधि है। हमने चर्चा की थी पहले ही कि कितने प्रकार से आपके शोध होते हैं और कितने प्रकार की उनकी विधियाँ होती हैं। जैसे बेसिकली हमने देखा कि शोध के कितने प्रकार हैं, तो शोध के आपके कुल तीन प्रकार हमने डिस्कस किए थे। एक कौन सा? मौलिक, दूसरा वैवृत और तीसरा क्या था? क्रियात्मक। तीन प्रकार के शोध हमने डिस्कस किए थे, जिसमें आपका जो मौलिक शोध होता है उसमें कौन सा शोध होता है? मौलिक शोध वह शोध होता है जिसमें हम मूल चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे एकदम नई सी चीज़, कोई आप नया ज्ञान जो अर्जित करते हैं या नया अन्वेषण करते हैं जो एकदम कंट्रोल बिहेवियर में होता है, या जो मूलभूत शोध है जिसमें शोध के हर स्टेप फॉलो किए जाते हैं और बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा ये वैलिड आपका प्रकार होता है किसका? शोध का। मौलिक या बेसिक शोध उसे कहते हैं। दूसरा आपका वैवृत शोध होता है। वैवृत शोध वो जो अप्लाइड है, मतलब मौलिक के जो आपके कंक्लूज़न निकलते हैं उसको जब अप्लाई करते हैं किसी पे, तब जो आपका शोध होता है वह वैवृत होता है। और क्रियात्मक शोध की भी चर्चा हमने करी थी। क्या होता है क्रियात्मक शोध? वह शोध होता है जब एक तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए छोटे रूप में हम किसी समस्या को लेते हैं और उसका समाधान शोध विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि से करते हैं, तो इसको कहते हैं क्रियात्मक आपका शोध। तो ये तो तीन शोध हमने प्रकार पढ़े थे, लेकिन जब हम मेथडलॉजी या उसके विधियों की बात करें तो क्या शोध कितने प्रकार से होते हैं? तो विधियाँ, शोध की विधियाँ, इसको भी हम कुछ प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका मान लीजिए कि दो अगर भाग बांटे, आप कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, मतलब ये हो गया आपका गुणात्मक और ये हो गया मात्रात्मक, ठीक है। जब हम गुणों का अध्ययन करें किसी विचारधारा का, किसी ऐसे कंटेंट का जिसका डाटा क्वालिटेटिव हो, मतलब जो शब्दों में हो, टेक्स्ट में हो, किस में हो? टेक्स्ट या शब्दों में या गुणों के रूप में, तो वो आपका जो विधि होता है किसी चीज़ का जो रिसर्च का, वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च उसको कहते हैं। दूसरा जब क्वांटिटेटिव हुआ, जिसमें हम क्या मात्रा का अगर अध्ययन करते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, या जो जिसमें डाटा आप एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस जिसमें होता है, जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर रिजल्ट आउटकम आपका निकलता है और क्या करते हैं आप उसको सामान्यकृत करते हैं, जनरलाइज करते हैं, तो वो आपका जो रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक रिसर्च होता है। अब इसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने प्रयोगात्मक शोध पढ़ लिया था, लेकिन जो एक और आपकी विधि थी वह थी वर्णात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वर्णात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की विधि की बात हम करने जा रहे थे, आज का वो टॉपिक भी है, तो वो आपका किसमें आ जाएगा? क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। क्वालिटेटिव में क्या आएगा? हिस्टोरिकल आप कर सकते हैं या ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत दार्शनिक आप शोध विधि से कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं या मात्रात्मक शोध की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आता है? वर्णात्मक आपका शोध विधि। आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि वर्णात्मक शोध विधि क्या। जनरली हम जानते हैं कि वर्णात्मक क्या है। वर्णात्मक शोध विधि, अब देखिए ये शोध के प्रकार नहीं है, ये शोध के विधि के प्रकार, मतलब जब शोध आप जिस मेथड से करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप टीचिंग करते हैं तो शिक्षण की विधि होती है आगमन निधि विधि, निगमन विधि, वैसे शोध करते हैं तो उसमें भी विधियाँ होती हैं। जैसे प्रयोगात्मक विधि हो गया आपका, और क्या हो गया? वर्णात्मक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो मुख्य कैटेगरी है उसमें हमने किसको रखा? मात्रात्मक शोध में जो मुख्यतः यूज होता है वो कौन सा होता है? वर्णात्मक शोध विधि। पहले हम चर्चा करें कि वर्णात्मक शोध विधि क्या है। तो वर्णात्मक शोध विधि वह शोध विधि है जिसमें हम वर्तमान का अध्ययन करते हैं। देखिए ये इसमें बहुत ही ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान ज्यादातर जैसे फोकसली जो ये शोध होता है, बहुत ही सबसे ज्यादा किया जाने वाला ये इस्तेमाल किया जाने वाला विधि है शोध की, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो हम आउटकम निकालते हैं, जो वर्तमान में जो घटनाएं हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक
या आप देखेंगे कि वो जो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है वर्तमान में, जिस चीज़ का जो आपने आउटकम पहले से लिया है वो कैसा इफेक्ट कर रहा है, या किसी चीज़ में तुलना करनी हुई, किसी चीज़ में संबंध बताना हुआ, कोई सर्वे करना हुआ, तो ये सारी विधियाँ आपकी मात्रात्मक शोध के किसके अंतर्गत आती हैं, वर्णात्मक शोध विधि। जब भी हमें रिजल्ट चाहिए हो कि कोई चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है, क्या शब्द का उत्तर। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई चीज़ क्या है तो ये आपका वर्णात्मक शोध क्या कहा जा सकता है। जब भी हम क्या कहेंगे, कोई परिस्थिति में कहेंगे ये परिस्थिति क्या है, इसका अगर इफेक्ट देखेंगे, कार्य कारण संबंध देखे, तुलना किया, सहसंबंध देखा, तो ये सारी चीज़ें आपके वर्णात्मक शोध में आई। इसी के साथ साथ ये कोई चीज़ कैसे हुई इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, या किसकी किसी चीज़ की तुलना कर सकते हैं, किसी चीज़ में सहसंबंध बता सकते हैं। तो मुख्यतः जो इसको बांट सकते हैं तो हम तीन भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटा। एक तो आपका हो गया सर्वेक्षण, ठीक है, क्या हो गया सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे जिसे कहते हैं। दूसरा हो गया सहसंबंध, क्या हो गया सहसंबंध। तीसरा हो रहा है करणीय तुलनात्मक, क्या हो गया करणीय तुलनात्मक। यस, इंग्लिश में तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और मेरे वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये भी आप जानते रहिए कि मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ जो लैंग्वेज हो मेरी अपनी मातृभाषा हमारी हिंदी, और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें वंचित रह गई, जैसे बुक्स अवेलेबल नहीं होती हिंदी में, तो इसलिए मेरा लेक्चर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं आती इंग्लिश तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी वर्ड्स इसलिए भी यूज़ करती हूँ कि मेरे अपने स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, मैं भी पहले हिंदी मीडियम से थी, हाँ ठीक है ग्रेजुएशन और उसके बाद हमने इंग्लिश पढ़ी, लेकिन जो दिक्कतें आपको जो वीडियोज़ अवेलेबल नहीं हो पा रहे, इसके लिए मैं ये प्रयास करना चाहती हूँ कि हिंदी में हम यहाँ पे अध्ययन करें। तो ठीक है, जब हम देखेंगे वर्णात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव, दोनों जानते रहिए कि अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो आप इंग्लिश में भी समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं मैं इंग्लिश वालों का अपोज कर रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादा एबल है क्योंकि उनके पास ज़्यादा वीडियोज़ हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हमारे हिंदी के स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए सर्वेक्षण विधि, मतलब क्या करेंगे, सर्वे, सहसंबंध बताएंगे, और एक क्या करणीय तुलनात्मक, ये आपका वीडियो में नहीं आ रहा था, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं करणीय तुलनात्मक, ठीक है। अब करने ये तीन हमने मोटा मोटा बांटा, क्या आपकी तीन विधियों के रूप में हमने बांटा, क्या क्या है देखिए यहाँ पे, सर्वेक्षण, सहसंबंध और करणीय तुलनात्मक। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं, तो कहते हैं कि हम अपनी शोध विधि जब बताते हैं तब हम कहते हैं कि वर्णात्मक शोध के अंतर्गत हम सर्वेक्षण विधि से यह अध्ययन या यह शोध करेंगे, या सहसंबंधात्मक विधि से, या करणीय तुलनात्मक विधि से, मतलब उसके अंदर ये तीन है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर आप फिर से उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें हर चीज़ बारीकी देखिए हर जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन जब हम उसका बेस ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे उसके आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेस तो है उसका, तो आपको समझने की आवश्यकता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। अब यहाँ देखिए करणीय तुलनात्मक, सर्वेक्षण और सहसंबंध। तो करणीय तुलनात्मक में जैसे किसी का कार्य कारण संबंध, जैसे कहेंगे कि कोई चीज हुई तो इसका किस चीज से रिलेशन था, तो उसके पीछे क्या कारण था। जब हम कारण जानना चाहते हैं तब भी हम कौन सा शोध करते हैं, वर्णात्मक शोध कर सकते हैं। इसी मेथड से हम प्रयोगात्मक भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल भी, लेकिन जब क्वांटिटेटिव डाटा मात्रात्मक आपका शोध हो तो उसमें अक्सर हम जो सबसे पॉपुलर विधि यूज़ करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णात्मक शोध विधि होती है। और इसमें जब हमें कार्य कारण संबंध देखना हो किसी चीज़ का या तुलना करनी हो तो क्या करते हैं हम, तुलना हो या कार्य कारण संबंध तो भी हम वर्णात्मक शोध विधि इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या हुआ सर्वेक्षण, सर्वे आप जानते हैं, जैसे कहते हैं सर्वे करते हैं कि हाँ आपका क्या विचार है, ये नया मेथड आया आपका क्या विचार है, या ये स्कीम आई, जैसे आपका
स्किल इंडिया आया या कुछ भी आया, तो आप क्या समझते हैं, क्या आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, या आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं किसको नहीं, तो ये सब चीज़ें, आपका फूड कैसा, इंडियन पसंद है कि साउथ इंडियन पसंद है, मतलब सॉरी नॉर्थ इंडियन पसंद है कि साउथ इंडियन पसंद है कि पंजाबी पसंद है, तो इस प्रकार से हम कई बार सर्वे करते हैं, तो सर्वे में कई रिजल्ट मिलता है, जैसे आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, तो बहुत सारे सर्वे होते हैं, तो वो भी क्या होता है आपका वर्णात्मक शोध। अब सहसंबंध में तीन प्रकार के होंगे, देखिए सहसंबंध मतलब याद आ रहा है, आर प्रोडक्ट मेथड से निकाले, कोरिलेशन या किसी मेथड से, यहाँ पर देखिए सहसंबंध जब हम निकालते हैं तो सहसंबंध में तीन प्रकार आपके होंगे, पहला क्या होगा धनात्मक, दूसरा क्या होगा ऋणात्मक, और तीसरा क्या होगा शून्य। आप कहेंगे ये तो परिकल्पना बता दी, यहां समझिए, या तो किसी चीज से कोई चीज ऐसे रिलेटेड होगी कि उसको बढ़ाने पे वो भी बढ़ जाए, ठीक है, जैसे जब आप मैथ्स जानते रहते हैं तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका क्या होता है बढ़ जाता है, तो देखेंगे मैथ्स का फिजिक्स पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो धनात्मक बढ़ेगा तो क्या है धनात्मक आपका है। फिर ऋणात्मक में क्या होगा, किसी को बढ़ाने पे कोई चीज़ कम हो जाए, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि मैथ पढ़ाने पे सोशल साइंस के सब्जेक्ट पे क्या असर पड़ता है, तो मे बी अगर आप ये रिलेशनशिप देखना चाहते तो क्या एक को बढ़ाने पे दूसरा क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है, तो और अगर एक को बढ़ाने पे दूसरा एकदम अनइफेक्टेड रहे तो इसको कहेंगे शून्य सहसंबंधात्मक, मतलब उसमें कोई संबंध नहीं। तो ये आपके तीन मेथड है, इसमें देखिए करणीय तुलनात्मक में एक आप सुने होंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, ये बहुत पॉपुलर आपका नाम अक्सर आता है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसको भी आज यहाँ पे समझ लेते हैं। जब कोई चीज़ बीत गई और उस पर आप वर्तमान में अध्ययन करना चाहते हैं, जब कोई चीज़ बीत गई आप वर्तमान में अध्ययन करना चाहते हैं और वो चीज़ पुनः नहीं करा सकते, जैसे कोई कहीं पे भूकंप आ गया तो आप वहाँ पे अध्ययन करना चाहते हैं वर्णात्मक शोध विधि से, तो क्या आप दोबारा भूकंप ला सकते हैं कि नहीं, उस समय कैसी फीलिंग रही होगी, तो आप फीलिंग पूछ सकते हैं, कारण देख सकते हैं, जब कारण ढूंढते हैं और उस चीज़ को दोबारा पुनः घटित नहीं कर सकते तो इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण विधियाँ हैं वर्णात्मक शोध विधि, मात्रात्मक शोध के अंतर्गत वर्णात्मक शोध विधियाँ में देखिए करणीय तुलनात्मक जो आपका अध्ययन होता है कि इसके इसमें क्या तुलना है, जब सर्वे करते हैं आप विचार जानते हैं, सहसंबंध निकालते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य निकालते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात आई तो हम एग्जाम्पल लेंगे, अब कब से कहा गया कि चाय पीने से बाल काले होते हैं, ऐसा कोई मानता है, देखो मेरे बाल इतने काले कि दिन भर में 10 चाय मैं पीती हूँ, है ना, है नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो आप 10 चाय पी जा रहे हैं और आपके बाल काले, तो हम क्या देखेंगे कि क्या चाय पीने से बाल काले होते हैं, तो फिर इतने सारे शैम्पू यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, तो हम उस पर शोध करेंगे, तो शोध करेंगे, तो जब उस पर शोध करेंगे तो सर्वेक्षण विधि से जब करेंगे, जब सर्वे करेंगे तो हम सर्वे करा देंगे कि कितने लोग चाय पीते हैं और उनके बाल काले हैं, तो अपने विचार आप व्यक्त करिए, तो सर्वे किया हमने, निकाला कि हाँ यार इतने लोग इंडियन चाय पीते हैं और इतने काले काले बाल, घने घने बाल, ठीक है, तो सर्वे कर दिया। सहसंबंध निकाला, तो अगर सहसंबंध में आपका चाय पिलाने से बाल काले हुए तो कहेंगे धनात्मक संबंध, चाय पिलाने से बाल सफ़ेद हो गए मतलब काले नहीं हुए तो कहेंगे ऋणात्मक संबंध, और चाय पिलाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जैसे थे वैसे ही तो क्या होगा शून्य से संबंध, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा जो आपका टर्म है करणीय तुलनात्मक, क्या चाय पीने से ही आपके बाल काले हैं, तो हम कारण खोजेंगे कि आपके बाल कैसे काले, तो अगर जब कारण हम जानना चाहेंगे तो करणीय तुलनात्मक विधि देखेंगे, तो अन्य से तुलना करेंगे, काफ़ी भी पिला सकते हैं आपको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देख रहे हैं, तो इसमें सहसंबंध देखते हैं, सॉरी कारण संबंध देखते हैं, तुलना करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये आपके महत्वपूर्ण शोध विधियां हैं जो धीरे धीरे आप
ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको ये समझ में आती रहेगी, जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर पुनः वीडियो बनाऊंगी। और रही बात आपके इस विधि की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जनरली सर्वे कर सकते हैं किसी पे भी, जनरली आप क्या करते हैं संबंध देख सकते हैं, जनरली आप क्या करते हैं कार्यकारण संबंध देख सकते हैं, कोई घटना घट गई उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहली बात हम क्या करते हैं कि उस घटना का वर्तमान में जो प्रभाव है वो हम देखना चाहते हैं, जो कारण है वो हम देखना चाहते हैं, जो वर्तमान पे इफेक्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखना चाहते हैं। जब ऐसे प्रकार के अध्ययन किए जाएं तो हम क्या कहेंगे, इसको ईजिली किस विधि से कर सकते हैं, तो हम वर्णनात्मक शोध विधि से इसको कर सकते हैं।